Hello friends, good morning. This is Dr. Bakul Dev and you are watching Unacademy Studios Placebo, your one-stop solution for NEET as well as AIIMS. NEET और AIIMS, अगर आपको क्रैक करना है तो ये वो चैनल है जिसे आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि स्टूडियोज Placebo पर हम सब लोग, ये जो टीम Placebo आपको यहाँ दिखाई दे रही है, हम सब लोग डेली 10 टू 12 आवर्स के लाइव सेशंस ले रहे हैं आप सबके लिए. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, चारों सब्जेक्ट्स में, और आपका पूरा सिलेबस हम कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर रहे हैं, पूरे वेरीफाइड और प्रिसाइज नोट्स के साथ, कंटेंट के साथ. आपको इस कंटेंट के बाद और किसी भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, न तो नीट के लिए, न ही AIIMS के लिए. तो टीम Placebo में अमित सर हैं जो आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं दोपहर 1 बजे, शाम 5 बजे. दीपक सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं दोपहर 2 बजे, रात 9 बजे. आनंद सर आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं सुबह 10 बजे, शाम 7 बजे. मैं आपको जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे, दो सेशन होते हैं. ऋतु मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हैं दोपहर 4 बजे. रोहित सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे. तो इस टीम के साथ जुड़े रहिए, एसोसिएटेड रहिए, और नीट और AIIMS का प्रिपरेशन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते रहिए. यहां से जो कंटेंट आपको मिल रहा है, दैट इज मोर देन एनफ. ओके, दूसरा काम जो आपको कर लेना है बच्चों, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को. आपने अगर ये एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लो. इंस्टॉल करने के बाद, डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद, URL में ये लिंक टाइप कीजिए t.me/neetplacebo और ज्वाइन पर क्लिक कर दीजिए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल के पार्ट बन जाएंगे, जहां पर ऑलरेडी लगभग 1600 और 700 के आसपास का ग्रुप है, जहां पीरियोडिकली हम नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं. जो जो इवेंट, जो जो रिचुअल, जो जो सेशंस अनअकैडमी स्टूडियोज Placebo पर चलते हैं, उन सब की जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी. इस चैनल पर आपको इन जानकारियों के अलावा कुछ PDF फॉर्मेट में नोट्स भी हम अवेलेबल करवा रहे हैं. साथ ही हम कुछ पॉल भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि आपका फीडबैक हमें मिलता रहे और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी. तो स्टूडियोज़ Placebo को सब्सक्राइब कर लेना है फर्स्ट, और दूसरा इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है. लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो काम है और जो ज़रूरी काम है, वो ये कि आपको Unacademy Plus को सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से, क्योंकि Unacademy Plus वो प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टी डायमेंशनल सपोर्ट देता है, जो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन नीट और AIIMS का, जिसमें कोई भी लकुना न बचे, इसको इंश्योर करता है. इसके रीजंस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मैं आपको समझा दूँ. इस वक्त Unacademy Plus पर नीट और AIIMS के सेक्शन में लगभग 40 टॉप एजुकेटर्स ऑल ओवर इंडिया से पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, चारों सब्जेक्ट्स. एक बार जब आप Unacademy Plus को सब्सक्राइब करते हैं तो आप इन सभी 40 एजुकेटर्स की क्लासेस लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. और Unacademy Plus पर जो क्लासेस चलती हैं, जो लाइव सेशंस चलते हैं, उनमें जो एडेड एडवांटेज है वो क्या, रियल टाइम आप अपना क्वेरी पूछते हैं, हम इमीडिएटली उसे सॉल्व करते हैं. आप अपना कोई डाउट, कोई प्रोसेस हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी दौरान आपको कोई एक छोटा सा स्टेप समझ में नहीं आया, आप अपना क्वेरी लिख के भेज सकते हैं, इमीडिएटली हमें वो दिखाई देता है, हम उसको सॉल्व करते हैं. तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका एकदम 100% ओके हो जाता है, जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं बचती. जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो जाता है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है, तो चीज़ों को याद करना और उनको एनालाइज करना आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाता है. Unacademy Plus पर हम हर चौथा क्लास डेडिकेटेड डाउट रिमूवल सेशन का रखते हैं, जिससे आपके छोटे छोटे सभी डाउट्स को हम क्लियर कर सकें और किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में ना आए. वीकली हम लोग क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि लाइव होती है, उसमें सारे के सारे बच्चे अपीयर होते हैं. यूनिट कंप्लीशन पर हम मेगा क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं, और सेशन कंप्लीट होते ही आप सीधे उस पर्टिकुलर सेशन के नोट्स PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज आपको मिलती हैं Unacademy Plus के प्लेटफॉर्म पर. ओके, तो प्लस का प्लेटफॉर्म आपको जल्दी से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इतना पर्सनलाइज्ड मैनर में ट्रेनिंग और किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा. और इसको ज्वाइन करने के बाद आपको और किसी भी
स्टडी मटेरियल की, नोट्स की, क्वेश्चन बैंक की किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो जल्दी से अनअकैडमी प्लस आप सब्सक्राइब कर लीजिए सब बच्चे, और इसको सब्सक्राइब करने का तरीका बड़ा आसान है। पहले इसको लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप नीट और एम्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको नीचे प्लस का एक लिंक मिलेगा, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नीट और एम्स के सेक्शन में नीचे सब्सक्रिप्शन का लिंक मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का लिंक जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने बहुत सारे फ्लेक्सिबल प्लान्स ओपन हो जाएंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर आप अभी ट्वेल्थ में हैं या अभी आप रिपीट कर रहे हैं तो सीधे वन ईयर सब्सक्रिप्शन आपको ऑप्ट कर लेना है, जिसका फ़ी बच्चों बहुत ही कम है, 25,000। और अगर आपने ये रेफरल कोड अप्लाई किया दैट इज़ बकुल10, इसको याद रखिए, तो आपको इमीडिएट 10% इसमें स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो आपका फ़ी हो जाएगा 22,500 फॉर वन ईयर, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। 40 प्लस टॉप एजुकेटर्स का आपके पास में चॉइस है, आप किस से पढ़ना चाहते हैं, कब पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और किस वक्त आप अपनी फिजिबिलिटी से चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, ये सब आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो जल्दी से आपको सब्सक्राइब कर लेना है प्लस। जो बच्चे अभी 11th में हैं उनको 2 ईयर मॉडल ऑप्ट कर लेना चाहिए, इसका फी और भी कम है बच्चों, दैट इज 40,000 फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 20,000 फॉर वन ईयर। और जैसा कि मैंने कहा, आपने अगर ये रेफरल कोड इस्तेमाल किया बकुल10, इट विल कम डाउन टू 36,000, विच मीन्स 18,000 पर ईयर। और जो कंटेंट इसके बदले में आपको मिल रहा है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड सपोर्ट है 24x7, मतलब आपको 30 प्लस आवर्स के लाइव सेशंस मिल रहे हैं डेली, 40 प्लस टॉप एजुकेटर्स मिल रहे हैं, सबके नोट्स मिल रहे हैं, सबके क्विजेज, सबके टेस्ट, सबके डाउट सेशंस, सबके रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो इससे ज़्यादा फैसिलिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। जल्दी से अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लो, ओके। अब हम चलें आगे, हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस वाला सेक्शन फ्राइडे को हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। आज उससे आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे। तब तक मैं देखूं जरा क्लास में कौन कौन बच्चे आ गए हैं। अंजलि जयराम, वेणी, तरुण, फयाज अहमद, आर्य गुप्ता, नियोस स्टूडेंट, आप तो आज पहली बार आए हो बेटा शायद, जितेंद्र ओझा। अंजलि जयराम कह रही हैं, गुड मॉर्निंग सर, योर टीचिंग इज सुपर सर, आई एम वेरी गुड एट जूलॉजी नाउ, थैंक्स। थैंक यू, आप भी बिल्कुल कंटिन्यूअसली सेशन ज्वाइन करते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो हमसे पूछिए, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि नीट और एम्स का प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। यहाँ से जो भी कॉन्टेंट आपको मिल रहा है, जो जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, बस उनको आप ग्रेस्प करते जाइए, जो गाइडलाइंस यहाँ से मिल रही हैं बस उनको आप फॉलो करते जाइए। काजल, जसवंत, पीयूष, प्रकाश तिवारी, अनवर, कृतिका, सोफिया, जितेंद्र कह रहे हैं राम राम, राम राम बेटा, निखिल, समरीन बानो, वंदना राजश्री, माधव मिश्रा, उत्कर्ष चौधरी, चलो काफ़ी सारे बच्चे आ गए हैं। अब हम हमारा आगे का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में हमने बीटी कॉटन के बारे में पढ़ लिया था कि हम बीटी कॉटन कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पढ़ना हमने स्टार्ट किया था, और बीटी कॉटन किस तरीके से बनाते हैं ये हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि बेसिलस थुरिंजियंसिस एक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, जिसमें जीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्राई जीन्स। 3 तरीके के वो जीन्स हैं, Cry1AC, Cry2AB एंड दिस Cry1AB जीन। ये सारे के सारे जीन कॉटन बॉलवर्म और कॉर्न बोरर के अगेंस्ट एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म मैंने डिटेल में पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ये देखिए, Cry1AC जीन एंड Cry2AB जीन, दे कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म्स, एंड Cry1AB इट कंट्रोल्स द कॉर्न बोरर। इसका मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस किया था। मैं जल्दी से एक बार 5 मिनट के लिए उसका रिकैप दे देता हूँ आपको, जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं फिर से। 2-3 चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। पहली चीज़ क्या थी, देखो कि देर आर कॉटन प्लांट्स,
and cotton plant is infected by कॉटन बॉल वर्म्स, और जब इनका इन्फेक्शन हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी जो है रिड्यूसेस एंड देयर आर कमर्शियल लॉसेस। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म था जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस होता है। कॉटन प्लांट है, कॉटन के जो प्लांट्स हैं उनमें कॉटन बॉलवर्म्स का इन्फेक्शन होता है, और कॉटन बॉलवर्म्स के इन्फेक्शन के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है जिससे ह्यूज कमर्शियल लॉसेस होते हैं। एक चीज हमने ये पढ़ी थी, फिर दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि देयर इज अ बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजियंसिस। ये बैक्टीरिया क्या करता है, कॉज इन्फेक्शन इन इंसेक्ट्स। अच्छा, ये मैं बताता चलूं कि ये जो कॉटन बॉलवर मैंने यहां पर मेंशन किया है, दिस इज एक्चुअली एन इंसेक्ट। इन्फेक्शन इंड्यूस करते हैं इंसेक्ट्स में, और इन्फेक्शन कैसे इंड्यूस करते हैं, दे एंटर इन जीआईटी ऑफ इंसेक्ट एंड प्रोड्यूसेस ए प्रोटॉक्सिन। इंसेक्ट के गट में एंटर करके ये प्रोटॉक्सिन इंड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोटॉक्सिन गट की एल्केलाइन पीएच से किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव टॉक्सिन में। और ये एक्टिव टॉक्सिन क्या करता है, इट क्रिएट माइन्यूट एपर्चर्स इन द गट एपिथीलियम ऑफ इंसेक्ट एंड अल्टीमेटली द इंसेक्ट डाइज। इस टॉक्सिन की एक्टिविटी की वजह से ये इंसेक्ट जो है इसकी डेथ हो जाती है, ये मर जाता है। आ गई बात समझ में? तो ये दो नॉर्मल प्रोसेसेस थे, ये बैक्टीरिया की एक्टिविटी, ये कॉटन प्लांट, करेक्ट। अब देखो जरा, ये जो प्रोटॉक्सिन बना, एग्जैक्टली ये प्रोटॉक्सिन कैसे बनेगा। प्रोटॉक्सिन इज नथिंग बट अ प्रोटीन और अगर ये प्रोटीन है तो इसको कोड करने वाले कोई जीन भी होंगे। सो देयर आर जीन्स ये जीन्स किस में होंगे, बैसिलस थुरिंजियंसिस में, जो कि प्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। और ये जीन क्राई जीन कहलाते हैं, क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी एंड क्राई वन ए बी, ये क्राई जीन्स होते हैं। तो ये क्राई जीन्स जो हैं ये प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे। ये प्रोटीन प्रोटॉक्सिन है, टॉक्सिन से एक्टिव टॉक्सिन बनेगा और वो इंसेक्ट को खत्म कर देगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, व्हाट वी डिड, वी आइसोलेटेड दीज क्राई जीन्स ये क्राई जीन हमने आइसोलेट किया, और आइसोलेट करके दिस जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल ऑफ कॉटन प्लांट। अब जब प्लांट डेवलप हुआ तो इस प्लांट के हर सेल में कौन सा जीन है बच्चों, क्राई जीन। इस प्लांट को हमने क्या कह दिया, बीटी कॉटन। नाउ एवरी सिंगल सेल ऑफ दिस प्लांट कंटेन्स क्राई जीन, और अगर क्राई जीन उसके अंदर है तो अब अगर कॉटन बॉलवर्म इनको कंज्यूम करेंगे प्लांट्स को, तो वो क्राई जीन उनकी बॉडी में एंटर कर जाएगा और क्राई जीन
प्रोटॉक्सिन बनाएगा, टॉक्सिन बनाएगा, अल्टीमेटली इंसेक्ट्स की डेथ हो जाएगी। कहने का मतलब बीटी कॉटन जो बनाया हमने, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हमने बनाया, दैट इज नेचुरली रेजिस्टेंट अगेंस्ट कॉटन बॉल वर्म इन्फेक्शन। ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया था। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। एक बार मुझे आप रिप्लाई कर दें जल्दी से। बीटी कॉटन तो क्लियर है सबको, वैसे तो पिछले लेक्चर में ही मैंने क्लियर कर दिया था, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो वो आज क्लियर हो जाना चाहिए। जस्ट गिव मी अ रिप्लाई सो दैट आई कैन प्रोसीड। बीटी कॉटन का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जो कि नेचुरली रेजिस्टेंट है किसके अगेंस्ट, कॉटन बॉलवर्म एज वेल एज कॉर्न बोरर। ठीक है, अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म डिस्कस करने वाला हूं इसके बाद, जिसमें यूजुअली आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो उस सेक्शन पर अब हम लोग पहुंचते हैं, आगे आते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं। ओके चलो ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने रिप्लाई कर दिया है मेरे को, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये बीटी कॉटन का पोर्शन कंप्लीट होता है, अब हम आते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में। ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, और ये कैसे डेवलप होते हैं, कौन सा टेक्निक इसमें काम में आता है, थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है आरएनए इंटरफेरेंस का, मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सिंपल करके आपको समझाऊं, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली आरएनए इंटरफेरेंस में होता क्या है। करेक्ट, पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ लो। रूट नॉट निमेटोड्स, निमेटोड तो आप जानते ही हैं, निमेटोडा पढ़ चुके हैं आप, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज। तो एस्केहेल्मिंथीज में ही जो है निमेटोड्स हैं, निमेटोडा में ही आपने एस्केरिस और बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, वो चुरेरिया बेनक्रॉफ्टी है, ये बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हमने निमेटोडा में ही डिस्कस किए थे। अब इन्हीं में कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम कहते हैं रूट नॉट निमेटोड्स। रूट नॉट निमेटोड क्यों कहते हैं इनको, रूट नॉट निमेटोड इस वजह से कहते हैं इनको क्योंकि ये मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स जो हैं उनकी रूट्स में इन्फेक्शन इंड्यूस करते हैं, और जब रूट्स में इन्फेक्शन इंड्यूस करेंगे तो उससे होगा क्या, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है प्लांट का वो डिसरप्ट हो जाएगा और वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी उसकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आ गई बात समझ में, ये वैसी ही बात है जैसे कि कॉटन प्लांट में हमने पढ़ा कि किसी इंसेक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है और वो जब इन्फेक्ट करता है तो प्रोडक्टिविटी उसकी खत्म हो जाती है, ठीक उसी तरीके से यहां इंसेक्ट की जगह इन्फेक्शन किसका हो रहा है, निमेटोड का। तो जो निमेटोड डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स के रूट में इन्फेक्शन इंड्यूस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, कलेक्टिवली रूट नॉट निमेटोड्स। और इनमें जो सबसे कॉमन स्पीसीज है दैट इज मेलॉयडोगाइनी इनकॉग्निशिया, ये सबसे कॉमन स्पीसीज है जो लगभग 95% जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए काउंट करता है। कहने का मतलब ये सबसे कॉमन स्पीसीज है जो कि मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स के रूट में इन्फेक्शन इंड्यूस करता है। सबसे पहले इस बेसिक चीज को समझो। दे अटैक नियरली एवरी फूड एंड फाइबर क्रॉप ग्रोन अराउंड 2000 प्लांट स्पीसीज इन ऑल, लगभग 2000 ऐसे स्पीसीज हैं प्लांट्स के जिनमें इन निमेटोड्स का इन्फेक्शन होता है। दे इन्वेड प्लांट रूट्स एंड बाय फीडिंग ऑन द रूट सेल्स दे कॉज द रूट्स टू ग्रो लार्ज गॉल्स और नॉट्स डैमेजिंग द क्रॉप एंड रिड्यूसिंग इट्स यील्ड, और वी कैन से रिड्यूसिंग द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आएगा बेटा, सब आ जाएगा, चिंता मत करो, पहले इसको समझ लो अच्छे से। तो इसको आप यूं समझें कि ये मान लो Thank you.
नॉर्मल रूट्स हैं, एज्यूम करो दीज आर द रूट्स। अब इन रूट्स में जब इसका इंफेक्शन हो जाएगा मेलॉइडोगाइने इनकॉग्निशिया का, तो रूट्स में बन जाएंगे गॉल्स या हम कहें नॉट्स। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाएंगे समथिंग लाइक दिस। ये डैमेज करेंगे इसके टिश्यू को। जब टिश्यू को डैमेज करेंगे तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इंटरप्ट होगा और इस वजह से इसकी ग्रोथ जो है वो ब्लॉक हो जाएगी एंड द प्रोडक्टिविटी विल बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। नाउ दीज आर द रूट्स। Infected by Meloidogyne incognitia। जब इसका इंफेक्शन हो जाएगा तो रूट्स की पोजीशन ये हो जाएगी, तो प्लांट का ग्रोथ इंटरप्ट करेगा और अल्टीमेटली ये प्लांट जो है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी विल बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। अब इसको रोकने के लिए एक टेक्निक, एक मॉडल प्लांट हमने डेवलप किया है अरेबिडोप्सिस, और वो प्लांट क्या करता है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी से, आरएनए आई टेक्नोलॉजी से ये जो मेलॉइडोगाइनी जो कि इन्फेक्शन इंड्यूस कर रहा है इसको किल कर देता है। अब ये टेक्निक क्या होता है जरा इसको समझिए। मैं कुछ बेसिक चीजें आपको पहले बताता हूं आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, अच्छे से इनको समझिए। देखो ये मान लो कि कोई सेल है, कोई भी यूकैरियोटिक सेल हो सकता है, ये हमारी बॉडी का कोई भी सेल हो सकता है, किसी और प्लांट का कोई सेल हो सकता है। पहली चीज तो आपको जो समझनी है वो ये आरएनए इंटरफेरेंस में या आरएनए आई में इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एज ए सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म। ये सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है। आ गई बात समझ में? RNAi करता क्या है, वॉट इज द पर्पज ऑफ RNAi, वॉट इज द मोटिव ऑफ RNAi, ये बेसिकली करता क्या है? बाय दिस टेक्निक साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक mRNA इज डन। किसी स्पेसिफिक mRNA को हम साइलेंस कर देंगे, उसके एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देंगे। आ गई बात समझ में? अब होता क्या है देखो जरा इसमें, होता इसमें यह है कि इस सेल में मान लो कि ये इस सेल का जीनोम है, एज्यूम करो और इस जीनोम में यहां से लेकर यहां तक ये कोई जीन है, इस जीन को अपने आप को एक्सप्रेस करना है। सपोज दिस जीन वॉन्ट टू एक्सप्रेस इट सेल्फ, सो वॉट इट विल डू, इनिशियली इट विल फॉर्म mRNA, इनिशियली ये mRNA बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन से और फिर इसका ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन के बाद हमारे पास एक प्रोटीन आ जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। आ रही है बात समझ में? अब मान लो कि हमें इस पर्टिकुलर जीन, इस जीन को हम नाम दे देते हैं सपोज ए, दिस इज जीन ए। अब इस सेल को इस जीन का एक्सप्रेशन ब्लॉक करना है बाय एनी मींस, तो आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म काम करेगा। उसमें होता क्या है, उसमें इनिशियली हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड
आरएनए होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहां से आएगा, कैसे बनेगा, ये मैं समझाऊंगा। ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इससे एक और आरएनए बनता है जिसको हम कहते हैं एमआईआरएनए। आ रही है बात समझ में, या हम कह दें एमआई की जगह सिंपल मैकेनिज्म पर आ जाएं पहले, एसआईआरएनए पर आ जाते हैं पहले। दिस इज एसआईआरएनए। एसआईआरएनए का मतलब है शॉर्ट इंटरफियरिंग आरएनए। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से बनेगा एसआईआरएनए। ये एसआईआरएनए क्या करेगा, दिस एसआईआरएनए, ये एसआईआरएनए है, दिस एसआईआरएनए विल कंबाइन विद सर्टेन प्रोटीन्स। यहां कुछ प्रोटीन्स होंगे, इन प्रोटीन्स के साथ ये कंबाइन होगा। इन प्रोटीन्स को, कई सारे प्रोटीन होते हैं, मैं रफली वैसे ही लिख रहा हूं आपके लिए, इनको हम कहते हैं आरआईएससी। इसका मतलब हुआ आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना, रिस्क और ये क्या है साथ में, एसआईआरएनए, ये एसआईआरएनए और ये रिस्क कॉम्प्लेक्स, ये जाकर के क्या करेगा, ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए को जाकर के ये तोड़ देगा। बात समझ में आ रही है। अब अगर ये एमआरएनए टूट गया, मैसेंजर आरएनए ये टूट गया, तो न तो इसका ट्रांसलेशन होगा, न ही ये प्रोटीन यहां पर सिंथेसाइज होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन ब्लॉक हो गया, किसी पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन। एमआईआरएनए माइक्रो आरएनए होता है, ठीक है, कई तरीके के आरएनए होते हैं इसके अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से बनते हैं, आप केवल एक समझ लें, दैट इज एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए। इस तरीके के कई आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से बनते हैं। मैं आपको केवल ये समझा रहा हूं कि आरएनए इंटरफियरेंस मैकेनिज्म होता क्या है। पहले सिंपली आरएनए आई समझिए, फिर अरेबिडोप्सिस पर आते हैं हम। मैं फिर से रिपीट करूं, किसी सेल में कोई जीन है ए, ये जीन ट्रांसक्रिप्शन से बनाता है एमआरएनए और इसके ट्रांसलेशन से बनता है कोई प्रोटीन, ओके? अब हमें इस पर्टिकुलर प्रोटीन के सिंथेसिस को ब्लॉक करना है, इस पर्टिकुलर प्रोटीन को बनने से रोकना है, तो उसका रास्ता यह है कि इस एमआरएनए के ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर दिया जाए। तो सेल में इसको ब्लॉक करने का जो मेथड है वो है आरएनए आई। अब आरएनए आई में हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो इस सेल में या तो एंटर कर गया है, आर्टिफिशियली हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, या किसी नेचुरल मैकेनिज्म से इंट्रोड्यूस हो गया है, मान लो किसी वायरस का इंफेक्शन हुआ उसके साथ ही एंटर कर गया। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बड़ा डेंजरस सब्सटेंस है। डेंजरस इस वजह से क्योंकि ये कुछ आरएनए क्रिएट करता है, जैसे एक आरएनए जो ये क्रिएट करता है इसका नाम है एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए। स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए इसी सेल में प्रेजेंट कुछ प्रोटीन्स से एसोसिएट होता है। ये प्रोटीन्स जो है इनका ग्रुप कहलाता है आरआईएससी, रिस्क, यानी आरएनए इंटरफेरेंस स्लाइसिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये बीच में तो आपको दिखाई दे रहा है एसआईआरएनए और इसके साथ एसोसिएट कौन हो गया है, रिस्क। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी में, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, दिस कॉम्प्लेक्स विल गो एंड स्पेसिफिकली इट विल टारगेट दिस एमआरएनए, इस एमआरएनए को ये खत्म कर देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा। जब इस एमआरएनए को डिसइंटीग्रेट कर देगा तो इसका ट्रांसलेशन और इसके प्रोटीन दोनों के ही बनने का प्रोसेस रुक जाएगा। यानी आरएनए इंटरफेरेंस वो टेक्निक है जिससे हम किसी जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी जीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। आ गई बात समझ में, ये एक बेसिक बात हुई। यहां तक समझ में आ रहा है आपको सारा मामला? अब हम आगे चलते हैं, रूट नॉट निमेटोड के केस में क्या होता है। चलिए जी, अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने ये पढ़ा कि ये मेलोइडी गॉयनी इनकॉग्निशिया जो है इनकी रूट्स पर सरवाइव करता है। आ गई बात समझ में, इनकी रूट्स को कंज्यूम करता है, इनकी रूट्स को खाता है, और जब ये रूट्स को कंज्यूम करेगा
तो जो चीज़ इसके इंटेस्टाइन में जाएगी, जो भी ये खाएगा मिलोइड ग्वाइनिन कॉग्निशिया, उसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने के लिए कोई एंजाइम होगा उसकी बॉडी में, उसको हम कह देते हैं जीन ऑफ पैरासिटिज्म। सिंपल तरीके से यूं समझो दैट दिस इज मिलोइड ग्वाइनिन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। अभी पढ़ा है हमने व्हाट इट डज, ये क्या करता है, फीड्स ऑन रूट्स ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स। ये बात तो आप जानते ही हैं, ये डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट के रूट्स को कंज्यूम करता है, उनको खाता है, करेक्ट। अब ये जो भी टिश्यू कंज्यूम कर रहा है, जो भी सेल, जो भी इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस या जो भी प्लांट का मटेरियल कंज्यूम कर रहा है, उस मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए इसकी बॉडी में कुछ एंजाइम होंगे, यानी कि जो भी चीज इसने कंज्यूम की उसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने के लिए इसको कोई सब्सटेंस चाहिएगा, जिसको हम कह दें कोई प्रोटीन। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज requires certain protein for digestion and absorption of consumed plant tissue, ठीक है जी। जिस प्लांट टिश्यू को इसने कंज्यूम किया है उसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने के लिए इसको क्या चाहिए, एक प्रोटीन, करेक्ट। अब ये जो प्रोटीन है, दिस प्रोटीन यहां पर मैंने मेंशन किया है, ये प्रोटीन किसी न किसी जीन से ही बनेगा, ठीक से समझिएगा इसको स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर। सो नाउ दिस मिलोइड ग्वाइनिन, अगेन मैं यहां पर लिखूं, इट कंटेन्स ए जीन, दिस जीन इनिशियली प्रोड्यूसेस एमआरएनए and then it produces a protein। आ रही है बात यहां तक समझ में? और ये जो प्रोटीन है ये वाला प्रोटीन है, कहने का मतलब क्या हुआ, दिस प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कंज्यूम्ड प्लांट टिश्यू। यहां तक की बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी, सिंपल चीज है ये सारी की सारी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझो, मिलोइड ग्वाइनिन इनकॉग्निशिया इज ए निमेटोड, ये डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट के रूट्स को कंज्यूम करता है, उन पर फीड करता है, जब उनके रूट्स पर कंज्यूम करेगा, रूट्स को कंज्यूम करेगा, उनको खाएगा, तो ये इसके जीआईटी में जाएंगे, जब ये इसके जीआईटी में जाएंगे तो जीआईटी में कोई प्रोटीन होगा, कोई एंजाइम होगा, जो कि इन कंज्यूम्ड सब्सटेंसेस को फर्स्ट डाइजेस्ट और बाद में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, करेक्ट। सिंपल सी बात है, ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन डेफिनेटली किसी न किसी जीन से ही बनेगा, आ रही है कि नहीं बात समझ में, बिना जीन के तो यह बनेगा नहीं। तो यह जो जीन है, इस जीन को हम क्या कह दें, जीन ऑफ पैरासिटिज्म बोला जा सकता है ना इसको, दिस इज द जीन ऑफ पैरासिटिज्म व्हिच इनिशियली प्रोड्यूसेस एमआरएनए, दिस एमआरएनए ट्रांसलेट्स एंड प्रोड्यूसेस प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, मिलोइड ग्वाइनिन को ये प्रोटीन चाहिए, ये एंजाइम चाहिए जिसकी हेल्प से
ये किसी भी डाइकॉट या मोनोकॉट प्लांट के रूट्स को जो कंज्यूम कर रहा है उनको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है जी, यहां तक की कहानी क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया देखो, अब हमने एक मॉडल प्लांट बनाया। नाउ वी क्रिएटेड अ मॉडल प्लांट Arabidopsis। मॉडल प्लांट जो है इसको हम जीएम प्लांट भी कह दें, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, एक ही बात है। ये मॉडल प्लांट है या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, इसका मतलब इसमें क्या डाला है हमने, ट्रांसजीन, तभी तो ये कहलाएगा मॉडल प्लांट। व्हाट वी हैव डन, एवरी सेल ऑफ दिस प्लांट कंटेन्स ए ट्रांसजीन, कोई ना कोई फॉरेन जीन है इसमें, मतलब इसके रूट्स में जो सेल हैं, स्टेम में जो सेल हैं, ब्रांचेस में जो सेल हैं, सब में एक फॉरेन जीन अवेलेबल है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसजीन। ओके, व्हाट दिस ट्रांसजीन डज, दिस ट्रांसजीन प्रोड्यूसेस ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये ट्रांसजीन एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है, मतलब सेंस एंटीसेंस दोनों स्ट्रैंड बना देता है। इस मॉडल प्लांट की बात चल रही है, जैसे हमने बीटी कॉटन बनाया था वैसे ही हमने ये बनाया है। ये एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस कर देता है, करेक्ट, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस कर देता है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और जैसा कि हमने डिस्कस किया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बहुत ही डेंजरस सब्सटेंस है, ये कई तरीके के और आरएनए बना सकता है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या बनाएगा, siRNA, यानी कि स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए। ठीक है जी, अब ये हमारे पास स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए आ गया, ये सारे के सारे किस में बन रहे हैं, मॉडल प्लांट में। आ गई बात समझ में, मॉडल प्लांट जो हमने बनाया है पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, करेक्ट। अब जैसा कि मैंने बताया ये siRNA किससे कंबाइन हो जाएगा, दिस siRNA कंबाइन्स विद रिस्क फैक्टर्स। तो अगले स्टेज में क्या हुआ, ये तो हमारा siRNA है और इसी प्लांट के सेल्स में ये क्या है, आरएनए इंटरफियरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो siRNA और रिस्क, ये हमारे पास एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स यहां पर बन गया। ठीक है जी, अब ये कॉम्प्लेक्स इस प्लांट की हर सेल में अवेलेबल है। आ गई बात समझ में, अब क्या होगा, अब क्या होगा देखना, ये मिलोइडी गायनी जब इसके सेल्स को कंज्यूम करेगा, खाएगा, डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, कंज्यूम करेगा, तो उसकी बॉडी में क्या चला जाएगा, क्या चला जाएगा, siRNA विद रिस्क। जब siRNA रिस्क के साथ में उसकी बॉडी में एंटर कर गया, अब इसने क्या किया, अब मैं यहां पर लिख देता हूं वो सारी की सारी चीजें। नाउ व्हेन मिलोइडी गायनी इनकॉग्निशिया फीड्स ऑन
roots of the genetically modified plant. Genetically modified plant जो हमने develop किया, और वो क्या है genetically modified plant? ये है, फिर से समझ लो. Model plant contain, model plant or Arabidopsis, it contains a transgene, first point. Transgene क्या करता है? It produces a double-stranded RNA. Double-stranded RNA से क्या बना? siRNA. siRNA risk के साथ मिलकर complex बना लिया इसने. यानी इस model plant के हर cell में ये वाला factor available है. और इन्हीं cells को consume कौन कर रहा है अब? Myeloid gyne incognitia. तो अब क्या होगा देखना जरा, what will happen when myeloid gyne incognitia feeds on the roots of GM plant, what happens? इसमें क्या है? siRNA plus risk, this is siRNA and risk. तो ये कहां चला गया? siRNA और risk myeloid gyne की body में enter कर गया. और इसने क्या किया बच्चों? What it did, it destructed the mRNA produced by gene of parasitism in myeloid gyne incognitia. इसने जाकर के इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया. जब ये डिस्ट्रक्ट कर देगा इसको mRNA को, तो न तो ये प्रोटीन बनेगा, ध्यान से समझना. जब ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये प्रोटीन किसके लिए जरूरी था? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंज्यूम्ड प्लांट टिश्यू. तो अब ये myeloid gyne इसके टिश्यू को, सेल्स को कंज्यूम नहीं कर पाएगा. जब इसको खाना ही नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली ये ऑर्गेनिज्म मर जाएगा. बात समझ में आ गई? सो दैट इज हाउ वी टर्न्ड द फिजियोलॉजी ऑफ दिस निमेटोड अगेंस्ट इटसेल्फ. तो इसका जो जीन ऑफ पैरासिटिज्म था, जिससे कि एक प्रोटीन बन रहा था जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी था, उस प्रोटीन के बनने को हमने ब्लॉक कर दिया, उस प्रोटीन के बनने को हमने पूरी तरीके से बंद कर दिया. कैसे किया? जिस एमआरएनए से ये प्रोटीन बन रहा था उस एमआरएनए को हमने साइलेंस कर दिया विद हेल्प ऑफ siRNA एंड RISC. और ये siRNA और RISC कहां से बने? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से. आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से ये टेक्निक डेवलप हुआ, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी. बेटा समझ में आया कि नहीं आपको? पहले तो ये बताओ, मैं आपको एक बार और रिपीट करूंगा इस पूरे को, और मैं इसके कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना चाह रहा हूं. मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो ये इनके स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कीजिए. पहले इसका लीजिए, फिर आगे वाले का लीजिए. इसका ले लिया, अब आगे चलो, इसका भी ले लो. अब ये तीन चीजें हैं. तीनों को अच्छे से समझ लो. क्लियर? चलो जी, अब मैं आपको चलाऊं आगे. देखो, अब मैं वापस से शुरू करता हूं. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट से मैं स्टार्ट करता हूं. कुछ चीजें हैं, अच्छे से समझ लो. पहली चीज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में जो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए वो क्या?
there are certain nematodes they cause infection in roots of मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स. एक बात हो गई, रूट में जब ये इंफेक्शन इंड्यूस करते हैं तो इनको कलेक्टिवली हम सबको क्या कह देते हैं. दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, रूट नॉट निमेटोड. ठीक है, तीसरी चीज जो सबसे कॉमन स्पीसीज है रूट नॉट निमेटोड की, दैट इज मिलॉयडगॉइनी इनकॉग्निशन. ये सबसे कॉमन स्पीसीज है. ये लगभग 2000 अलग अलग वेराइटीज के जो प्लांट्स हैं उनमें इंफेक्शन इंड्यूस करता है. करेक्ट, रूट में इस तरीके के ट्यूमरस गॉल्स इस तरीके के स्ट्रक्चर बना देगा. जब स्ट्रक्चर बना देगा तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा और ये प्लांट जो है इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और अल्टीमेटली देयर विल बी ह्यूज कमर्शियल लॉसेस. एक सिंपल सा फैक्ट हो गया ये. करेक्ट, अब मैं आगे चलूं. आगे चीज ये है कि एक टेक्निक है आरएनएआई, इसको बिल्कुल अलग से समझो, बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे. आरएनएआई एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें किसी पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया जाता है सेल के बेनिफिट के लिए यूजुअली. ठीक है, उसके एक्सप्रेशन को रोकने का तरीका यह है कि उस जीन से जो एमआरएनए बना है उस एमआरएनए को तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो उससे बनने वाला प्रोटीन भी नहीं बनेगा. टेक्निक क्या है, सीधा सीधा टेक्निक यह है, जैसे मान लो यह कोई जीन है ए, इस जीन का एक्सप्रेशन है जिससे प्रोटीन बनता है, तो पहले एमआरएनए बना फिर उसके बाद में प्रोटीन बना. अब आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक बेसिकली कहां से इनिशिएट होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से. जैसे ही ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अपीयर हुआ, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कुछ स्पेसिफिक आरएनए डेवलप करेगा, जैसे एसआई आरएनए स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए, या एसएच आरएनए शॉर्ट आरएनए, आ रही है कि नहीं बात समझ में, या हेयर पिन लूप स्मॉल आरएनए, कई तरीके के आरएनए इंड्यूस करता है. हम एक पिक कर लेते हैं कि भाई इसने एसआई आरएनए बनाया, ये एसआई आरएनए बना शॉर्ट इंटरफियरिंग आरएनए. ये एसआई आरएनए इसी सेल में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं रिस्क, यानी आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. तो एसआई आरएनए और ये प्रोटीन मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. ये कॉम्प्लेक्स जाकर के इस एमआरएनए टारगेटेड एमआरएनए को अटैक करेगा, इसको डिस्ट्रक्ट कर देगा. जब ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा इसके मल्टीपल पीसेस बन जाएंगे तो इसका ट्रांसलेशन भी पॉसिबल नहीं है और इस प्रोटीन का बनना भी पॉसिबल नहीं है. तो दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर जीन इज साइलेंस्ड एंड दिस टेक्निक इज नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक. कि इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से जो एसआई आरएनए बना उसने इंटरफियर कर दिया इसके एक्सप्रेशन को, इसके ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर दिया. ठीक है जी, करेक्ट. अब आगे चलूं, अब अगली चीज क्या है, अगली चीज यह है कि यह मिलॉयडगॉइन इनकॉग्निशिया है, यह रूट्स को कंज्यूम करता है, तो उसी टिश्यू को खाएगा, उसी टिश्यू पर फीड करेगा, और जब उस टिश्यू को कंज्यूम करेगा तो उसको कंज्यूम करने के लिए इनको कोई ना कोई प्रोटीन चाहिए. आ गई बात समझ में, भले ही ये पैरासाइट है लेकिन कोई प्रोटीन चाहिए जो भी चीज ये खा रहा है कंज्यूम कर रहा है उसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने के लिए. सिंपल करके समझा रहा हूं एकदम. अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन भी किसी न किसी एमआरएनए के एक्सप्रेशन से बनेगा, एमआरएनए किसी जीन से बनेगा. कहने का मतलब मिलॉयडगॉइन इनकॉग्निशिया कंटेन्स जीन, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कह दें जीन ऑफ पैरासिटिज्म. दिस जीन प्रोड्यूसेस एमआरएनए, एमआरएनए प्रोड्यूसेस प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन विल बी हेल्पफुल इन डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंज्यूम्ड सब्सटेंसेस. दैट्स ऑल, करेक्ट. अब हमने क्या किया, अब हमने एक प्लांट बनाया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, और इस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में एक ट्रांसजीन है. हर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई ट्रांसजीन तो हम डालते ही हैं, तो ये एक ट्रांसजीन हमने डाला. अब ये ट्रांसजीन क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, फिर मैकेनिज्म वही चला, एसआई आरएनए बन गया, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए, ये आरआईएससी के साथ कंबाइन हो गया. इसका मतलब ये हो गया कि इस मॉडल प्लांट, इस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के हर सेल में अब क्या है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, व्हिच इज
स्पेसिफिकली टारगेटिंग द mRNA प्रोड्यूस्ड बाई जीन ऑफ पैरासिटिज्म। आ गई बात समझ में? अब इस पौधे के सेल्स को इसने कंज्यूम किया, मिलोइड ग्वाइन ने। जब ये कंज्यूम करेगा तो क्या हुआ, ये जो कॉम्प्लेक्स है siRNA और रिस्क वाला कॉम्प्लेक्स, ये चला गया उसमें। और जब चला गया तो इसने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स ने इस डिस्ट्रक्टेड द mRNA प्रोड्यूस्ड बाय जीन ऑफ पैरासिटिज्म इन मिलोइड ग्वाइनी इनकॉग्निशिया। जब ये जीन साइलेंस हो गया, जब ये mRNA खत्म हो गया, तो अब इस मिलोइड ग्वाइनी में ये प्रोटीन बनना बंद हो गया। जब ये प्रोटीन बनना बंद हो गया तो न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस रुक गया, ब्लॉक हो गया, इंटरफियर हो गया, अल्टीमेटली ये मर जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हमने बनाया, इट इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट इन्फेक्शन ऑफ रूट नॉट नेमेटोड्स। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा ठीक से बच्चों, और इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा आपको। क्लियर है सबको अच्छे से? तो दैट इज ऑल अबाउट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट एंड आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। ये टेक्निक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी डिटेल्स में आपको नहीं जाना है। ये जो सिंपल चार पांच बातें मैंने आपको बताई हैं, बस ये याद रख लीजिए कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या है, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से हम किसी जीन का एक्सप्रेशन ब्लॉक कैसे कर देंगे, दैट्स ऑल। ये चार पांच चीजें हैं जो आपको समझनी है। जैसे बीटी कॉटन था, तो बीटी कॉटन में हमने क्राइजीन इंट्रोड्यूस कर दिया था, इस वाले प्लांट में हमने ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन ये ट्रांसजीन एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए बनाता है और इससे फिर साइलेंसिंग हो जाती है, किसकी, जीन ऑफ पैरासिटिज्म की। दिस जीन ऑफ पैरासिटिज्म इज साइलेंस्ड एंड द ऑर्गेनिज्म इज नो मोर वायबल। तो ये अपने आप इनकी डेथ होती जाएगी और इन्फेक्शन रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। सो दैट इज ऑल अबाउट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें पढ़ लो। दिस नॉक्ड आउट द पैरासिटिज्म जीन इन द नेमेटोड एंड डिसरप्टेड द एबिलिटी टू इन्फेक्ट प्लांट, जो अभी हमने डिस्कस किया। द एफर्ट्स हैव बीन डायरेक्टेड प्राइमरीली एट अंडरस्टैंडिंग द मॉलिक्यूलर टूल्स द नेमेटोड यूजेस टू इन्फेक्ट प्लांट्स। दिस इज ए प्रीरिक्विजिट फॉर बायो इंजीनियरिंग ड्यूरेबल रेजिस्टेंस ऑफ दीज नेमेटोड्स इन द क्रॉप प्लांट्स। तो ये सिंपल बातें हैं सारी की सारी जो मैंने आपको बताई हैं। तो ये एग्रीकल्चर के फील्ड में एप्लीकेशन हमने पढ़ लिए हैं। क्या क्या चीजें पढ़ी हमने, कमर्शियल प्रोडक्शन, हिरुडीन, हिरुडीन कैसे बनता है ब्रेसिका नेपस से, टोमेटो का एक वैरायटी पढ़ा हमने फ्लेयरसेर वैरायटी, तो उस वैरायटी में क्या क्या चीजें होती हैं, उसका वो जो शेल्फ लाइफ है वो कैसे इंक्रीज हो जाता है, पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम जो है उसको बनाने वाले जीन को हमने साइलेंस कर दिया है। आ रही है कि नहीं बात समझ में? ये सारी की सारी चीजें वहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन कैसे बनता है, उसमें क्राइजीन का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोटॉक्सिन क्या होता है, टॉक्सिन क्या होता है, इंसेक्ट्स की डेथ कैसे होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बीटी कॉटन में कई बार कि भाई अगर ये टॉक्सिन इंसेक्ट की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो ये खुद उस बैक्टीरिया को, बैसिलस थुरिंजिएंसिस को क्यों नहीं मार देता, तो उसका रीजन क्या है। उसका रीजन सीधा सा ये है कि बैसिलस में वो जो टॉक्सिन है वो प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में बनता है, एक्टिव नहीं होता। वो एक्टिव होगा ही तब जब इंसेक्ट के गट में जाएगा, उसको एल्कलाइन पीएच मिलेगा, फिर जब वो एक्टिव होगा तो उसके बाद वो इंटेस्टाइन का जो इंसेक्ट का जो एपिथीलियम है, गट एपिथीलियम, उसमें माइन्यूट अपर्चर्स क्रिएट करेगा। और फिर आखिर में हमने पढ़ा अरेबिडोप्सिस, दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ओके, तो चलो ठीक है, अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, गुड। अब हम आएंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। तो आज थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम बचा है, मैं आज आपको इंसुलिन का कमर्शियल प्रोडक्शन भी पढ़ाने वाला था लेकिन उसको अब हम कल पढ़ेंगे। आप ये चीजें पहले समझ लें कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, थेरेप्यूटिक एजेंट्स। थेरेप्यूटिक एजेंट का मतलब जो किसी पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के काम में आए। तो बहुत सारे एजेंट्स हमने बनाए, जैसे हिरुडीन बनाया हमने, ठीक है, हिरुडीन भी एक तरीके का एजेंट है, थेरेप्यूटिक एजेंट। और इस तरीके के बहुत सारे एजेंट हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर्स या एप्लीकेशन से बना सकते हैं। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया हमने, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो ड्वार्फिज्म को ट्रीट करने के काम में आता है,
कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन हमने बनाया जो इनफर्टिलिटी के केसेस को ट्रीट करने के लिए काम में आता है। इंटरफेरोन्स जो वायरल इन्फेक्शन के लिए काम में आते हैं। इंटरल्यूकिंस जो ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन के लिए काम में आते हैं। टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बनाया हमने। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 हमने बनाया जो हीमोफीलिया को ट्रीट करने के काम में आता है। पीडीजीएफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर हमने बनाया। पेनिसिलिन जी एसाइलेज हमने बनाया जिससे कि नई नई किस्म के एंटीबायोटिक्स हम बना सकें। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि थेरेप्यूटिक एजेंट्स हमने क्रिएट किए हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से। अब जो इंपॉर्टेंट थेरेप्यूटिक एजेंट है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था, दैट इज कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, जो एली लिली कंपनी ने सबसे पहली बार बनाया था और जिसको नाम दिया गया था ह्यूम्यूलिन। तो इसके डिटेल्स बच्चों मैं अब आपसे अगले सेशन में डिस्कस करूंगा कि इंसुलिन सिंथेसाइज एग्जैक्टली होता कैसे है। आज के लिए इतना ही, इसको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। अच्छा, जाने से पहले एक बात और बताऊं मैं आपको, अब अनएकेडमी के जितने भी स्टूडियोज प्लेसेबो पे जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं उन सभी के वीडियोस के खत्म होने पर या वीडियोस के बाद आपको एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म मिलेगा। उस फीडबैक फॉर्म को आप बिल्कुल ज़रूर ज़रूर फिल करें, क्योंकि उससे हमें ये चीज़ें पता चलेंगी कि क्या क्या नई चीज़ें हमें और इनकॉर्पोरेट करनी है, कौन कौन से एरियाज हैं जिनको और इम्प्रूव किया जा सकता है, जिनसे आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो। तो जितने भी वीडियोस आपके पास आते हैं, जितने भी सेशंस आपके पास आते हैं, उसके तुरंत बाद इट विल टेक हार्डली 20-30 सेकंड्स, नॉट मोर देन दिस। तो आपको अपना फीडबैक उस पर फिल कर देना है जिससे कि हमें एक पूरा का पूरा आइडिया मिले कि एग्जैक्टली और क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, कौन सी चीज़ें बेहतर चल रही हैं, कौन सी चीज़ों को और बेहतर बनाया जा सकता है जिससे कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इंक्रीज हो और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम और ख़त्म कर सकें, आपके जो क्वेरीज हैं उनको और इफ़ेक्टिव मैनर में हम सॉल्व कर सकें। तो ये काम सब बच्चों को ज़रूर करना है। फीडबैक फॉर्म इस वीडियो के बाद में आपको मिलेगा, यू ऑल हैव टू फिल इट, ओके। इट विल टेक नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। जल्दी से इस फॉर्म को भी फिल कीजिए और हिट द बेल आइकन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पोस्ट एज द मैक्सिमम। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। सो गुड बाय एंड गुड डे एज ऑफ नाउ। अब हम मिलते हैं ठीक 3 बजे, जहां हम कॉकरोच से रिलेटेड आगे के जो सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ओके। सो गुड बाय एंड गुड डे।